धनबाद के गोविंदपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा का गोविंदपुर सुभाष चौक के पास स्थानांतरण किया गया है। मंगलवार को बैंक ऑफ इंडिया के शाखा महाप्रबंधक धनंजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर महाप्रबंधक ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया निरंतर ग्राहकों की सेवा में अग्रसर रहा, सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल में पहुँचने सहित ग्राहकों के लिए सुलभ तरीके से ऋण मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले तो बैंक ऑफ इंडिया परिवार को बधाई है नया ब्रांच खोलने के लिए। एज अ सीओ या एज अ सिविल सर्वेंट हम यही चाहेंगे कि हमारे रैयतों को दिक्कत ना हो, तो बैंकिंग फैसिलिटीज आज एक नेसेसरी फैसिलिटी हो गया है। तो जैसा बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों ने देखा कि उन्होंने कस्टमर के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज का दावा किया है, ब्रांच में एसी रखेंगे, तो ये सारी सुविधाएं रहेंगी ताकि बैंकिंग में हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे रैयत हैं, उनको दिक्कत ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और तो इनवाइटिंग एम्बियंस है, तो मुझे बहुत खुशी है कि KI स्टेट शाखा का ये जो परिसर है काफ़ी अच्छा है और यहाँ जो मैनेजर भी पदस्थापित किए गए हैं, यहाँ के स्टाफ हैं, वो हर तरीके से यहाँ के जो नागरिक हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, उनका अधिक से अधिक बैंकिंग सुविधा देंगे और उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार बैंकिंग सुविधा दी जाएगी। आमतौर पर देखा जाता है कि स्टाफ की कमी होने के कारण जो आपका ग्राहक है वो नाकुश होकर या मतलब उसको समय मतलब बहुत ज्यादा ले जाते हैं, वो नाकुश होकर चले जाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे?